कानपुर में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या, फोन करके घर पे बुलाया और छोक दिए कई राउंड फायर। सनबीम स्कूल से गिरकर 10वीं की छात्रा की मौत, पिता का आरोप, प्रिंसिपल ने फोन कर छुट्टी के दिन भी बुलाया। मेरठ में वंदे मातरम गाने के वक्त एआईएम पार्षद बैठे रहे, मेयर शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम के दौरान बवाल। आगरा फोर्ट स्टेशन पर कार ने मासूम को कुचला, मां स्टेशन के बाहर कर रही थी ऑटो का इंतजार, बच्ची खेलते हुए आ गई थी अंदर। गोंडा में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या के मामले में फरार चल रहा था आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अखिलेश यादव कई जिलों के दौरे पर हैं, अलग अलग शोक सभाओं में भी अखिलेश यादव हिस्सा ले रहे हैं। आज जब वे अपने आवास से निकल रहे थे तब वो मीडिया से मुखातिब हुए, इस दौरान उन्होंने अपने शब्दों के बाढ़ से बीजेपी के खेमे में फिर से हलचल पैदा कर दी है। हरिशंकर तिवारी जी के घर जा रहा हूँ, वो उस दशक के नेता है जिस समय संघर्ष का और संघर्ष कर करके राजनीति लोग करते थे। आज़ादी के बाद जो नया तरीके से राजनीति हुई और उस राजनीति में जहां जनता को लेकर के संघर्ष करना, जनता के साथ न्याय के लिए खड़े रहना, उस पीढ़ी के वो नेता हैं। कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किए, एक उनकी अपनी छवि थी और उस छवि ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उस छवि में बनाने के लिए उन्हें 40-50 साल का संघर्ष करना पड़ा। तो ऐसे नेता के घर उनके परिवार के बीच में जा रहा हूँ। देखिए, जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन आगे भी रहेगा। अरे पीएम की बात पहले बाद में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हराने का संकल्प समाजवादी पार्टी लेगी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लेगा। और हम आपसे भी कह रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करिए, नहीं तो थोड़ा बहुत चल जाता वो भी बंद हो जाएगा आपका। नहीं लगता कि नगर निकाय चुनाव में मेहनत तो हुई? मेहनत बहुत हुई, लेकिन बेईमानी उस और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हो, नफरत से देखते हो दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना, क्या खुशी होगी जनता को? न जनता की आय बढ़ी, न किसान की दोगुनी आय हो पाई, जो नौकरी रोजगार मिलना था वो न दे पाए, महंगाई बढ़ा दी। इस बार भी जो धांधली हुई है और जिस तरह अधिकारियों के माध्यम से परिणाम को अपने पक्ष में किया, जहां इन्हें जिताना था काउंटिंग करते रहे, बढ़ाते रहे, पुलिस लगाते रहे, तो ये पुलिस से अगर प्रशासन करेंगे, आप ये बताइए क्या गोरखपुर का कूड़ा खत्म हो गया, क्या नाले साफ हो गए, क्या नाले बन जाएंगे, क्या मेट्रो बन जाएगी? जो सवाल चुनाव में उठाए थे वो सवाल के सवाल आज भी हैं। मुझे उम्मीद है कि जनता आने वाले गाँव में उनको फिर एक शाहजहांपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर अर्चना वर्मा ने खिरने बाग के रामलीला मैदान में एक समारोह के दौरान शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण में उन्होंने कहा कि जनता ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है उस पर खरा उतर कर दिखाऊंगी। सुरेश कुमार खन्ना के सानिध्य में विकास की गति और भी तेज होगी। इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने नव निर्वाचित अर्चना वर्मा को शुभकामनाएं दी और कहा कि विकास की गति शाहजहांपुर में और ज्यादा तेज होगी। इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि शाहजहांपुर की जनता के भाग्य उसी दिन खुल गए थे जिस दिन अर्चना वर्मा को उन्होंने भारी मतों से जीत दिलाई थी।
जो नगर निगम शाहजहांपुर का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर को शपथ लेता हूँ कि मैं किसी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और अनुसार रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके बनाया होता तो शायद इतनी जल्दी, क्योंकि उसके लिए जो जनसंख्या का मानक था वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक शायद ये नगर निगम नहीं बन पाता। लेकिन आप लोगों को के प्रति मैं असीम कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो मुझे ताकत दी उसी का ये परिणाम है कि आज शाहजहांपुर 200 नगर जिन्होंने जहां क्या बताया था आसमान पे क्यों जेपीएस जी, आसमान में कौन सा छेद, इन्होंने रामपुर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी जहां कभी नहीं जीत हो पाई थी। वो तरीके से धन्यवाद करूं, मैं शाहजहांपुर की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने आज ये मुझे स्वर्णिम अवसर दिया, आप लोगों को अपनी सेवा करने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, मैं पार्टी की तरफ से इस नगर निगम के चुनाव में एक संयोजक के रूप में लगाया गया था, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता। अलीगढ़ में भाजपा की तरफ से निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत इगलास में भाजपा के प्रत्याशी की करारी हार के साथ भाजपा के दिग्गजों को स्थानीय लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था। निकाय चुनाव में बूथ के अंदर प्रवेश को लेकर कई भाजपा के पदाधिकारियों पर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद अब शपथ समारोह को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। इससे सियासी गलियारों में हलचल नजर आ रही है। दरअसल भाजपा के प्रत्याशी पुष्पा अग्रवाल की करारी हार के बाद अब भाजपा के विधायक राजकुमार सहयोगी निर्दलीय चेयरमैन की पत्नी कमलेश शर्मा के साथ शपथ समारोह में सम्मिलित होने पहुंचे। शपथ समारोह में सम्मिलित होकर उनकी ओर से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत के कसीदे भी पढ़े गए। भाजपा प्रत्याशी की हार के बावजूद वह निर्दलीय प्रत्याशी की जीत को उनकी ओर से बड़ी बात बताई गई, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। लेकिन किस तरह का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम इजलास में किया गया? इजलास का बड़ा भव्य कार्यक्रम शपथ समारोह का, और जिस तरह जनता ने विश्वास के साथ मत दिया है उसी विश्वास के साथ आशा के साथ फिर नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष से भी आशा है नगर पंचायत की जनता को कि आदर्श नगर पंचायत के रूप में आगे विकसित हो और क्षेत्र की जनता को एक नगर पंचायत में एक सफाई व्यवस्था भी अच्छी हो, ऐसी और अच्छी सड़कें बने, ऐसी नगर। आज आपकी पत्नी की तरह शपथ वगैरह ली गई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के विकास कर रहे हैं? अच्छा प्रोग्राम हुआ, एक दिन बहुत ही समय पे आई और बहुत बड़ी इगलास से क्षेत्र के सम्मानित सभी मेरे भाई बहन इकट्ठे हुए, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के विकास कर रहेंगे? विकास कार्य तो अब ये 10 साल पहले चेयरमैन रह चुकी हैं, विकास इन्होंने बहुत पहले भी कराए, तो विकास कराने में तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं, विकास कराएंगे। शपथ ग्रहण आज हो गई है और इसी प्रक्रिया में लगेंगे किस तरह से इगलास का विकास कराना है, विकास होंगे इसमें। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी राशन की दुकानों पर दूध पाउडर साबुन मिठाई और बेबी केयर उत्पाद समेत 35 दूसरे सामान मिलेंगे और ये सामान उन मुख्य मार्गों पर बनी राशन की दुकानों पर मिलेंगे जहां से भारी वाहनों का आवागमन हो सके, साथ ही सामानों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए खाद्य और रसद विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ यूपी की उच्च दर की दुकानों पर दूध ब्रेड मसाले सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जैसी 35 जन उपयोगी वस्तुएं मिलेंगी। बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने शुक्रवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत अनुपयोगी वस्तुएं भी राशन की दुकान पर मिल सकेंगी।
खबर लखनऊ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर आजम खां के मामले को लेकर तीखा हमला बोला है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर से पूर्व विधायक आजम खां को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसी मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। अब इसी को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया है। साथ ही आजम खां की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल करने की मांग की है। अखिलेश ने आजम खां को हेट स्पीच मामले में कोर्ट से मिली राहत के बाद भाजपा पर झूठे मुकदमे कराने का आरोप लगाया और कहा कि अधिकारियों की मिली भगत से उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। भाजपा राज में झूठे मुकदमों का सच बाहर आना शुरू हो गया है। पीलीभीत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की समस्या के निस्तारण के लिए गांव में कैंप लगाए गए, जिसमें जनसेवा केंद्र प्रभारी सहित कई कर्मचारियों के न पहुंचने से कई किसान बेरंग घर लौट गए। वहीं ग्राम प्रधान ने डीएम को पत्र भेजकर कैंप में न पहुंचने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित और कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण करने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए गए। किसान सम्मान निधि योजना के कैंप में कृषि विभाग के TSC अखिलेश कुमार और लेखपाल गजेंद्र पाल सिंह कैंप में पहुंचे। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समस्याओं के निराकरण के संबंध में कल कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें सभी कर्मचारियों के अतिरिक्त जो आवश्यक जरूरी जनसेवा केंद्र का प्रभारी जो था वो नहीं आया, उसकी वजह से समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका। तो मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए। खबर अयोध्या से है, जहां पर लखनऊ जैसा एक और हादसा घटा है। दरअसल 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ अयोध्या के सनबीम स्कूल में अनन्या श्रीवास्तव की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि अनन्या की मौत झूले से गिरकर हुई है। CCTV घटना में साफ साफ दिख रहा है कि छात्रा बिल्डिंग से गिरी और कई मिनटों तक तड़पती रही। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिता की तहरीर के अनुसार पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये प्रकरण थाना कोतवाली कैंट के अंतर्गत सनबीम विद्यालय का है। ये सूचना प्राप्त हुई है कि आज सुबह लगभग 9:30 बजे के लगभग एक बच्ची जो कक्षा 10 में पढ़ती थी छत से गिरकर चोटिल हालत में विद्यालय प्रबंधन द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया, उसके परिजनों को सूचना दी, मौके पर आए, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। जो बच्ची है उसकी माँ अभी बाहर है, घर आने वाली है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर और जो साक्ष्य हैं CCTV कैमरे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उनके आधार। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, अयोध्या से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, 10वीं की छात्रा की मौत हो गई है, जिसमें स्कूल के प्रबंधन ने कहा कि झूले से गिरकर उसकी मौत हुई है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, अयोध्या में स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर 10वीं की छात्रा की मौत हो गई थी, इसका वीडियो भी सामने आया। इसमें छात्रा स्कूल की छत से गिरते हुए देखी जा सकती है। वह जमीन पर पड़ी तकरीबन 9 से 10 मिनट तक तड़पती रही, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। इसमें दरिंदगी की बात सामने आई। पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधक और गेम टीचर ने उसके साथ गैंगरेप किया, फिर छत से फेंक दिया। पिता के तहरीर पर कैन थाने में गैंगरेप, हत्या, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है और बच्ची की उम्र 15 साल थी और शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। फिलहाल पिता का आरोप है कि शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी थी, उसके बावजूद भी उसकी बेटी को बुलाया गया। इसके बाद स्कूल से 9:30 बजे फोन आता है कि छात्र झूले से गिर गई है और उसे चोट लगी। स्कूल के लोग छात्र को नारायण अस्पताल ले गए। पिता का कहना है कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा कि बेटी के पूरे शरीर में चोट के निशान है। तो कुल मिला के देखिए, मामला पूरी तरह से संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में भी इससे 3 से 4 महीने पहले क्लियर अबोध
नामक बेटी थी जिसकी तकरीबन 13 से 14 साल उम्र थी, उसकी भी इसी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और स्कूल प्रबंधन ने वहां भी ऐसे उलट फेर वाले जवाब दिए थे, लेकिन वो भी फाइलें बंद हो गई। और मुझे लगता है कि शायद इसमें अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो देखने वाली बात यह है कि इसमें इस घटना के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हैं, क्योंकि एक तरफ स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि बच्ची झूले से गिर गई, वहीं दूसरी तरफ सागर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक सामने आ जाएगी? अभी देखिए, अभी फिलहाल बेटी का पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे लगता है क्योंकि काफी मुख्य धाराओं में केस दर्ज किया गया, 376, 120 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, तो शायद मुझे लगता है कि डॉक्टर का जो पैनल है वो पोस्टमार्टम कर रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शायद शाम तक पुलिस को उपलब्ध हो जाएगी, उसके बाद ही पुलिस शायद धारा बढ़ा है या फिर उसी हिसाब से कार्रवाई करे। और ये जो गेम टीचर है उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सागर, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है कि किस तरीके से उन्हें फोन करके बुलाया गया, लड़की को क्या कुछ कहा गया, क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं कि उस दिन छुट्टी थी? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है नंदनी, क्योंकि देखिए स्कूल की छुट्टी थी, फ्राइडे का दिन था और 8:30 बजे बच्ची को जो स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो बुलाती है और बच्ची 8:30 बजे पहुंचती है, 9:30 बजे फोन आ जाता है बच्ची के परिजनों को कि बच्ची जो है झूले से गिर गई है। आनंद फानंद में बच्ची के परिजन जो अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि उनकी जो बेटी है वो खून से लथपथ है और उससे हाथ भी टूटे हैं और सर में भी चोट लगी है। तो कुल मिला के देखिए मामला तो संदिग्ध है ही, लेकिन सबसे बात ये नंदनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सबसे बड़ा खुलासा हो पाएगा कि इसमें क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करते, क्योंकि एक लखनऊ का सीन भी देखा जाए, एक बहुत कद्दावर नेता है वो इनका स्कूल था, तो उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस के हाथ खाली थे और लगातार इस दोस्त का पिता था रिया राठौर का वो आरोप लगा रहा था कि उसकी बच्ची के साथ गलत काम किया गया, लेकिन उस वो फाइलें कुल मिला के बंद कर देगी क्योंकि इस मामले को 3 से 4 महीने हो चुके हैं। लेकिन अब देखना मामला ये है कि एक नया नया मामला सामने आया है और क्या सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब स्कूल की छुट्टी थी तो बच्ची को क्यों बुलाया गया और बच्ची अगर गई तो छत पे क्या करने गई, क्योंकि झूले से गिरकर ऐसी कोई मामूली मौत नहीं होती है, जाहिर सी बात है ना ही हाथ पैर टूटते हैं ना फिर सर में चोट लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए नंदनी, इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसमें साफ देखा जा सकता है कि बच्ची को शायद फेंका गया है या फिर बच्ची गिरी है। फिलहाल ये मामला संदिग्ध है, इस चीज पर बोलना उचित नहीं होगा कि बच्ची को फेंका गया या बच्ची गिरी है, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज जो है ले लिए हैं अपने पास, सबसे कपड़े कब्जे में ले लिए हैं। और एक तरफ परिजनों का आरोप ये भी है कि घटना के बाद जो बच्ची के गिरने के बाद जो वहां पर खून था उसको पूरी तरह से साफ कर दिया गया, धो दिया गया, तो हालांकि जब धो दिया गया क्यों धोया सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत ये जितनी भी पुलिस मर्डर मिस्ट्री है वो क्यों के हिसाब से चल रही, क्योंकि क्यों बुलाया गया बच्चियों को और क्यों वो छत से गई और क्यों स्कूल प्रबंधन ने ये कहा कि वो छत झूले से गिरी है। जी नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। गाजियाबाद में फरार स्पा सेंटर मालिकों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। लिंक रोड थाना क्षेत्र के पैसिफिक मॉल में चल रहे 8 स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के मामले में पुलिस ने फरार मालिकों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोपितों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण। प्रवीण, स्पा सेंटरों के मालिकों पर इनाम राशि बढ़ाएगी, 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए आपको बता दूं, गाजियाबाद के ट्रांसजेंडर डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने एक बड़ी कार्रवाई की थी अभी कुछ दिन पहले, जहां पर एक बड़े पैसिफिक मॉल में, यानी कि जो रियायती बड़ा पैसिफिक मॉल है वो भी दिल्ली से सटा हुआ मॉल, जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था, उस पर बड़ी कार्रवाई की थी, जिसके बाद कई लोगों को वहां से हिरासत में लिया था। आपत्तिजनक स्थिति में लोग वहां पर थे, कहीं ना कहीं महिलाएं जो थी वो कम से कम 61 थी और 39 पुरुषों को वहां से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लगातार कार्रवाई जो थी वो जारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पा सेंटर के मालिक थे वो मौके से फरार हो गए थे, वो वहां पर नहीं मिले, जिसके बाद डीसीपी ट्रांसजेंडर विवेक चंद्र यादव ने सभी के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और लगातार जो उनकी टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है जगह जगह ठिकानों पर, कहीं ना कहीं वो लोग जो फरार हैं वो
वो पकड़ में आएंगे, उनके ऊपर जिस तरह से धाराएं जो लगनी है खासतौर पर, वो बड़ी बात लगता है क्योंकि लगातार जो व्यापार के धंधे में जो लड़कियां जो जिनको उतारा जाता है स्पा सेंटर में, जिस तरह से काम दिया करवाया जाता है और उसकी आड़ में जिस तरह से चल रहा था खेल, कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर थी। और उसके बाद जिस तरह से एक्शन लिया जो डीसीपी ट्रांसजेंडर विवेक चंद्र यादव ने, ये बड़ा एक्शन है। 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जो संचालक यानी जो इप्पा सेंटर चला रहे थे वो मालिक थे, उनके ऊपर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और जल्द ही उनकी धरपकड़ की जाएगी। जी प्रवीण, बताया जा रहा है कि 8 इस्पात सेंटरों में देह व्यापार का काम चल रहा था, और क्या कुछ आगे का प्रशासन की तरफ से कार्यवाही हो सकती है? देखिए प्रशासन अलर्ट है पूरा, क्योंकि जितने भी गाजियाबाद में इस तरह के स्पा सेंटर चल रहे हैं उन पर कड़े रुख अपनाए हुए हैं, क्योंकि जो गाजियाबाद कमिश्नरेट हैं वो लगातार इस तरह से हर एक स्पा सेंटर पे छापेमारी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही ये बड़ी खबर सामने आई उसके बाद कई लोगों ने स्पा सेंटर बंद कर दिए, हालांकि वो लोग फरार है, जो फरार चल रहे हैं उनके ऊपर जो 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है डीसीपी ट्रांसजेंडर की तरफ से, कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है। और लगातार पहले भी देखा गया है जब भी स्पा सेंटरों पर अगर रेड पड़ती है तो कहीं ना कहीं मालिक जो होते हैं वो फरार हो जाते हैं, और जो लोग वहां मौजूद होते हैं जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं को गिरफ्तारी होती है। हालांकि अब ये मामला जो है ये सुर्खियों में आ गया है, कहीं ना कहीं अब स्पा सेंटर वाले काफी अलर्ट हो गए हैं और सभी ने अभी फिलहाल के लिए स्पा सेंटर बंद कर दिए। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। संभल में सपा सांसद का आजम खान को बरी करने के मामले में एक बार फिर से दर्द छलका है। सांसद ने कोर्ट के फैसले की सराहना की है। विधायकी और सदस्यता को लेकर भी कई दिग्गज नेता मंडलायुक्त मुरादाबाद से जाकर वहां पर मिलेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को हाईकोर्ट के दोष मुक्त करने के बाद SP सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग का दर्द छलक उठा है। उन्होंने कहा कि जो कोर्ट ने फैसला किया है वो बिल्कुल सही किया है। हमारी मांग ये है कि उनकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी उन्हें सजा दी गई, अब उनके विधायकी और सदस्यता भी वापस मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के नेताओं को मुरादाबाद मंडलायुक्त से मिलने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून बना देने से जनसंख्या नहीं रोक सकते। इसके खिलाफ बोलते हुए सपा सांसद ने कहा कि दुनियावी कानून से अल्लाह के कानून पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कामयाब नहीं होने वाला है। सपा सांसद ने BJP का नसीहत देते हुए कहा कि ये इंसाफ नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली जुड़ेंगे। मुबारक, लगातार शफीकुर रहमान अपने बयानों से विवादों में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान दिया है और वहीं पर उन्होंने आजम खान के बरी होने पर उन्होंने अपना बयान दिया है। आपको बता दूं, जनपद समारोह का पूरा मामला बता जाएगा। डॉक्टर शफीकुर रहमान भरत ने एक बड़ा बयान दिया है और आजम खान को लेकर दिया है, और उसमें हाईकोर्ट ने उनके लिए बरी कर दिया है। बरी करने के बाद में जो बड़ा बयान ये दिया है, जो वहां का प्रशासन ने झूठा मुकदमा लिख कर उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। कार्रवाई करने के बाद में जो सपा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से क्या उनकी विधायकी वापस दी जावे और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जावे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुबारक। गोंडा में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया है। 3 साल से फरार आरोपी राम किशोर तिवारी को SDF और गोंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये अपराधी हत्या के मामले में फरार चल रहा था। मामले में उमरी इलाके के पीड़ी बंदा के पास गिरफ्तारी की गई है। ये इनामी उमरी बेमगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। थाना उमरी बेगमगंज है, उत्तर प्रदेश SDF और थाना अध्यक्ष उमरी बेगमगंज की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से 50,000 के इनामिया रामकिशोर पुत्र बनवारी निवासी पारक पट्टी मझवार को आज गिरफ्तार किया गया है। और इसमें ये 50,000 का इनामिया था, ये हत्या के एक मुकदमे में जो 184/2020 धारा 302/201 में जो है मफरूरी में चार्जशीटेड था,
इस पर 50,000 का इनाम था और इसकी संयुक्त टीम के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता मुजीब आलम जुड़ेंगे। मुजीब, गोंडा की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, आपको बता दें कि गोंडा में पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के जो है अभियान चला रखा है यहाँ पे, जिस तरीके से 50,000 का इनामी हत्या के आरोप में फरार चल रहा था, लखनऊ एसटीएफ और गोंडा की पुलिस टीम ने उसको कल गिरफ्तार करके जेल रवाना किया। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुजीब। लखनऊ में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा के मद्देनजर जिलाधिकारी ने समस्त केंद्र व्यवस्थापकों और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। 86 केंद्रों पर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा होगी। इस दौरान जनपद में 4,024 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक केंद्र पर एक एक स्थानीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। परीक्षा के मद्देनजर शासन की ओर से 5 IAS अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ओर से निगरानी की जाएगी। बैठक में अतुल सिंह विशेष सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, सुनील कुमार सिंह विशेष सचिव और अश्वनी कुमार पांडे विशेष सचिव पर्यटन भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 86 केंद्र बनाए गए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर वृद्धा की आंख में मिर्च झोंककर पर्स लूटने की कोशिश की गई। 55 साल की पीड़िता निर्मला के शोर मचाने पर भीड़ और हुसैनाबाद चौकी इंचार्ज ने पुलिस बल के साथ आरोपी को दौड़ाकर घटनास्थल से दबोचा। वहीं पकड़े गए आरोपी की पहचान शहादतगंज निवासी सहनाज के रूप में हुई है, शानवाज के रूप में हुई। आपको बता दें कि DCP राहुल राज और ADCP चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद पुलिस टीम की सक्रियता से लुटेरों को पकड़ लिया गया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।